हम जाते हैं। आज हम बीबीए कार्ड जोड़ाते हैं, बात करेंगे भूगोल में। जो मैंने पिछले क्लास में आपको पृथ्वी उत्पत्ति के बारे में बातचीत की, पृथ्वी उत्पत्ति के बारे में मैं जो संग्रहालय थी, जो भी विद्वानों के मत थे, उस बारे में दो वर्तन बारे में चर्चा की, उसमें एक तो कांड की कार्रवाई, दूसरी लाभासी कार्रवाई। लाभासी दोनों प्रकल्पनाएं, कांड और लाभासी जो दोनों प्रकल्पनाएं हैं, वो एक कार्य के द्वारा उत्पत्ति मानी गई संकल्पना में रखी गई है। मतलब इसमें यह था कि ऐसे परमाणु, ऐसे पिंड, जिस प्रकार से पृथ्वी एक पिंड है, सूर्य की परिक्रमा करता है, उसी भांति इसके समतल अन्य पिंड भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो ग्रह, जिनको ग्रह के नाम से जानते हैं, और जो जो पिंड इन ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह मानते हैं। ऐसे अनेक पिंड जो सूर्य परिवार में है, सूर्य के समकक्ष से उसकी उसके आसपास अपने परिभ्रमण या परिक्रमण करते हैं, उन पिंडों की बात कर रहे हैं, तो उन सभी पिंडों की उत्पत्ति एक तारे से मानी जाती है। उन पिंडों को अपन पृथ्वी उत्पत्ति में एक तारे से मानते हैं, उसे अद्वैतवादी संकल्पना में रखा गया है। जो मैंने कांड की, लाभास की, रोसे की, लोकेय की बताई थी, जो दो आपको समझा दिए, कांड की लाभास की। कांड की आभास में कांड की ये थी कि कांड की वावेला से थी और लाभास की निहारिका परिक्रमा थी। आज हम इसी बात पर तो ये अगला जो क्वेश्चन चर्चा है इसी में वो है आपका जैम्स जीन की जवादी परिकल्पना। जैम्स जीन की जवाही परिकल्पना, यह परिकल्पना द्वैतवाद में है, द्वैत संकल्पना का दान है। दो तारक द्वैत संकल्पना, इसमें द्वैत संकल्पना शामिल की जाती है, जो दो तारक से या दूसरे तारक संयोग के द्वारा अन्य पिंडों पृथ्वी या अन्य ग्रह स्थिति के बारे में अपने विचार दिए गए हैं, वो संकल्पना में आते हैं। इसमें जो संकल्पना है वो है आपकी जैम्स की जवाहरी परिकल्पना है, इसके अलावा चैम्बरलिन की है, चैम्बरलिन की ग्रहण परिकल्पना है, और जैम्स की और रसे देता परिक्रमा, दे तारक परिक्रमा रसेल की है। इस प्रकार ये परिक्रमा इसमें बढ़ी जाएगी, इसमें बात की जाएगी। अपन बात करें जैम्स जीन की जवादी परिक्रमा, जिसमें कुछ बातें मुख्य ये है कि इस ये परिक्रमा जैम्स जीन एक अंग्रेज विद्वान था, अंग्रेज विद्वान था जिसने अपनी परिकल्पना 1919 में प्रस्तुत की, लेकिन इसका संशोधित रूप, इसको इसमें कुछ नया जोड़कर, इसे नया संशोधन करके 1929 में जेफ्रीज महोदय ने प्रस्तुत किया। कब किया? 1929 में। इन्होंने बताया कि सबसे पहले ब्रह्मांड में जो तारे पिंड उसके बारे में बातचीत की, उसने कहा कि सबसे पहले एक सूर्य तारा था जो अपने अपने स्थान पर स्थिर अवस्था में, यानी किसी के चक्कर परिक्रमण नहीं कर रहा, अपने स्थिर अवस्था में परिभ्रमण कर रहा था। मतलब ये कहता स्थिर अवस्था में क्या कर रहा था, अपने एक्स रे घूम रहा था, मतलब किसी अन्य पिंड की परिक्रमा नहीं कर रहा, अपने एक्स रे घूम रहा, स्थिर अवस्था में परिभ्रमण कर रहा था। एक तारा था जो जिसका नाम सूर्य था, वो गैसीय अवस्था में था। कैसे अवस्था में था? वो गैसीय अवस्था में था और तप नहीं था, वो गैसीय अवस्था में था, गर्म नहीं था, लेकिन वो गैसीय अवस्था में था, स्थिर अवस्था में था और अपने एक्सरे घूम रहा था। एक दूसरा तारा और था, एक बात यह हुई कि स्थिर अवस्था में एक गैसीय गोला जिसका नाम है सूर्य, दूसरा था एक विशालकाय, एक विशाल
एक विशाल काय तारा तारा था जो इसके इसके समकक्ष से इसके पास से गुजर रहा था। मतलब दो तारे की गणना की गई है, एक सूर्य तारा था जो गैस अवस्था में था और अपने एक्सप्रेस अवस्था में अपना एक्सप्रेस था अपना एक्सप्रेस मतलब घूर्ण कर रहा था। दूसरा तारा जिसका नाम सागर तारा जो इससे बड़ा तारा था, लेकिन यह पत्थर घूमता हुआ इस प्रकार से आगे बढ़ रहा था जैसे सूर्य के निकट से सूर्य के निकट आ रहा हो। तीसरी बात यह है कि ये तारा जो सारे तारा था वो अपने मतलब अपने पथ पे इस तरह से गति कर रहा था कि जो सूर्य के निकट से आ रहा हो। और चौथी बात यह था कि तारा जो ये तारा था जो स्थिर अवस्था में था ये सूर्य तारा, इससे ये जो था जो बड़ा तारा था इससे बहुत आकार में आयतन में बड़ा था, आकार में और आयतन में आकार आयतन में इससे बड़ा था। और जब किसी तारे में आयतन के आकार में अंतर आता है तो उसमें जवा शक्ति या गुरुत्व बल में अंतर आता है। ये अपन मानते हैं बात में कि किसी तारे में अपना आकार के अनुसार आकार के आधार पर उसमें गुरुत्व बल भी अलग अलग पाया जाता है। इस प्रकार ये दो तारे थे, दो तारों में दो की बात कर रहे हैं कि दो तारे थे गैसीय अवस्था में था वो सूर्य तारा था, दूसरा बड़ा तारा था वो भी अपने पथ गति के अलावा आगे बढ़ रहा, जिससे मान लो ये सूर्य तारा यहाँ है इसका नाम सूर्य है। दूसरा तारा था जो अपने पथ पर बड़ा तारा था जो अपने पथ पर गति कर रहा था इससे बड़े आकार में था और ये स्थिर अवस्था में मतलब अपने एक्सपेरी स्थिर था और अपने एक्सपेरी था और अपना एक्सपेरी मतलब भ्रमण कर रहा था, मैं किसी अन्य तारे की परिक्रमा नहीं कर रहा था। ये सब इस तरह होता सभी तारा साथी तारा ये आकार से बड़ा था। अब बात करते हैं सूर्य तारा जैसे अवस्था में था किसान तारा से आकार बढ़ा था अपने पथ पे ही तारा बढ़ते आगे बढ़ता हुआ गति कर रहा था। दोनों तारों में अंतर यह था कि अपने इस तारे में अपना गुरुत्व बल अलग अलग होता है, इस तारे में इसके अपेक्षा गुरुत्व बल से ज्यादा था। जब सूर्य तारा आगे ये सारे तारा आगे बढ़ रहा था तो इसका प्रभाव सूर्य के बाहर भाग पड़ रहा था, ये गैसीय अवस्था में होने के कारण इसमें ऐसे कोई जमाव के रूप में बाह्य पदार्थ बाहर निकालने का प्रयास करने लगा। जिस प्रकार से पृथ्वी है ना, पृथ्वी में जो महासागर जल है इस प्रकार सूर्य पृथ्वी के मतलब पास चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा के प्रभाव से पृथ्वी पर जो महासागर जल है उसका जमाव उत्पन्न होता है। उसी भांति सूर्य के निकट से जो तारा था गुजर रहा था उसके प्रभाव से सूर्य के बाहर भाग पर जो जवाहर के रूप में पदार्थ बाहर निकलने का प्रयास करने लगा या होने लगा। इस कारण से जिस दिन तारा आगे बढ़ता है उसके बाहर भाग पर प्रभाव पड़ता है। जिस दिन सूर्य तारा पूरा और इसमें आगे बढ़ता है इसके निकट से पास में मतलब आने का प्रयास करता है इससे कोई प्रभाव कुछ न कुछ पदार्थ बाहर निकलने का प्रयास करता है जिसका नाम होता है जवार। और ये जवार के रूप में जो पदार्थ बाहर निकलने का कारण क्या था कि इसमें गुरुत्व बल इसमें गुरुत्व शक्ति अधिक थी इससे दूसरों की गुरुत्व शक्ति कम थी, इसका प्रभाव के प्रभाव सूर्य के बाहर भाग पर पड़ने से इसमें कोई पदार्थ वायु राशि के रूप में इस सूर्य के बाहर सतह से बाहर निकलने का प्रयास करने लगा जिसे नाम दिया जवान। और जब सूर्य तारा इस पास ही सूर्य तारा गुजरने के प्रभाव से तारा और आगे बढ़ा, जिस जैसे आगे बढ़ा तो इसमें फिलामेंट या जवान और आगे और दूसरा पदार्थ बाहर निकलने का प्रयास करने लगा। ये बिल्कुल निकटतम दूरी पे आ गया, तारा बिल्कुल निकटतम दूरी पर आ जाता है सूर्य तारा सूर्य के पास में, उस समय जवान पूर्ण रूप से इस पदार्थ बाहर राशि के रूप में बाहर निकल जाता है। तो सूर्य के बाहर पदार्थ सूर्य के बाहर भाग से अलग होकर समंतर होकर इस यथावत यहाँ पर पहुंच जाता है। अब ये तारा सह तारा पूरा अपना इसमें गति करता हुआ आगे बढ़ता रहता है, सह तारा सूर्य आगे इसी गति करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। जैसे जैसे सूर्य सह तारा और आगे बढ़ता है जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो उसकी दूरी जो सूर्य साथ सूर्य तारे के साथ दूरी बढ़ जाती है उसका प्रभाव भी धीरे कम होना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार ये सह तारा यहाँ से आगे बढ़ा तो उसका प्रभाव इसमें पड़ा और जवाब पूर्ण हुआ और फिर ये तारा पास में आया आने लगा उसका प्रभाव और शीघ्र बढ़ गया
और जो 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 तारा पास में लगा वो तो सूर्य के बाहर भाग कर ज्वाले भाग का उद्गार या फिलामेंट के रूप में बाहर आने लग गया, जिसमें जब निकटतम दूरी पर सूर्य तारे के पास से गुजरा तो उसमें एक पदार्थ निसर्ग वगैरह से बाहर निकल गया, जिसका नाम रखा जवारी फिलामेंट। जवारी फिलामेंट, फिलामेंट मतलब जिसकी आकृति कैसी हो, फिलामेंट जिसकी आकृति जिसके दोनों भाग दोनों किनारे भाग पतले हो और मध्य भाग चौड़ा हो बड़ा हो, उससे बोले जवाहर फिलामेंट। जो पदार्थ पहले बाहर निकला, जैसे ये पदार्थ सूर्य से बाहर निकला छोटे रूप में था, फिर इसका आकार बड़ा फिर बड़ा हो गया, ऐसे ऐसे करते बड़ा बड़ा फिर टूट गया लास्ट में, वो भाग उसका खड़ा हो भाग मतलब पिछड़ वास्ता करता था छोटा हो गया टूट गया। इसी प्रकार से प्रभाव ये आकृति कैसे बनी, शायद तारे के निकट आने का उस भाग बाहर निकला फिर आगे बढ़ा और से बाहर बाहर गया और निकट दूरी पाया उसका आकार बढ़ गया, फिर उसने जैसे सर्कल आगे बढ़ाता है तो बढ़ापन जो होता है उस आकृति में वृद्धि चली जाती है, और आगे बढ़ा और बढ़ापन हो गया उसका सहायता से वो पदार्थ तो सूर्य तारे से जो बाहर बाहर निकला टूट गया हो गया, उसका नाम रखा जवारीय फिलामेंट, जिसे आकृति ऐसी थी दोनों किनारे वाले भाग पतले थे और मध्य वाला भाग चौड़ा या बड़ा था। ये जवारीय फिलामेंट रूप में स्वतंत्र रूप से ये पदार्थ यहाँ यथावत बाहर आ गया और ये सह तारा अपने पत्र आगे बढ़ गया, जब सह तारा आगे बढ़ गया तो इसका प्रभाव खत्म हो गया, सूर्य सूर्य के आसपास सूर्य जो पदार्थ बाहर निकला वो भाव्य रश्मि फिलामेंट है वो सूर्य के इर्द-गिर्द सूर्य चारों परिक्रमा करने लग गया। अब इसमें कारण कहानी बनती है ये तो मैं तो सूर्य के साथ इस सूर्य में वापस मिल सका और न सकता सह तारे के साथ जा सका, कि जब तक सूर्य सह तारा से बहुत दूर आगे चला गया था तब इसका प्रभाव खत्म हो गया। अब इसमें ये सूर्य तारे वापस नहीं मिलता क्योंकि इतने दूर सूर्य के सतह से दूर या बाहर आ गया था, इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव इस फिलामेंट पे नहीं पड़ा, इस कारण से स्वतंत्र रूप से फिलामेंट सूर्य के चारों ओर चलने लग गया। अब इसकी आकृति कैसी थी, इसके दोनों भाग मुख्य लिए पतले थे मध्य भाग चौड़ा था, ये धीरे धीरे काल में ठंडा होता है ताप में ताप होता है विकिरण होता है विकिरण द्वारा ताप भाष होने के कारण इसमें ग्रंथियां गांठें पड़ती है और गांठें पड़ने से सिकुड़कर ठंडा सिकुड़कर गांठें पड़कर टूट जाता है, टूटने के इसके नौ टुकड़े हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं नौ टुकड़े हो जाते हैं और नौ टुकड़े बनकर नौ ग्रह बढ़ जाते हैं। जो जो भी दो नौ ग्रह बने वो कौन से बने, जो आपके बताए बुध है पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि और वरुण ये से हैं, उसको नौ ग्रह के रूप में सूर्य की परिक्रमा करने लगे। इसी प्रकार ये जो ग्रह बने अब इनके आकार में बात करें तो छोटे ग्रह किधर है, छोटे ग्रह किनारों पे है, बड़े ग्रह बीच वाले भाग है, जिसमें मतलब बुध शुक्र पृथ्वी है छोटे ग्रह है सारे, और इधर बीच वाले वरुण यम है वो छोटे ग्रह दो किनारे वाले ग्रह है, बीच वाले दो जो ग्रह है बृहस्पति और शनि है वो मंगल ग्रह है बड़े आकार वाले हैं जो बीच वाले ग्रह है। तो इसकी बात जो है इसमें सटीक बैठती है कि जो मध्य वाले भाग में मोटे वाले बड़े आकार वाले ग्रह है और जो किनारा वाले जो चक्र में है जो सोल में है और छोटे वाले ग्रह बन जाते हैं, इसकी बात में इस बात सामने बैठता है। तो इसी प्रकार जो अब बात करते हैं उपग्रह की, उपग्रह की बात कैसे करें, तो उपग्रह में ऐसा होता है कि जैसे जिस प्रकार जो छोटे ग्रह थे वो शीघ्र ठंडे हो गए बुध शुक्र थे या बीच जम थे, ये छोटे ग्रह से ठंडा हो गए और तापमान होने के कारण से बड़े ग्रह जम गए, इस वजह से वो वायरस का उद्गार नहीं हुआ और इससे कोई फिलामेंट नहीं बना, इसलिए कोई उद्गार नहीं पड़ना। लेकिन जो मध्य भाग की जो पिंड थे ग्रह थे उनमें उसका प्रभाव सूर्य के प्रभाव से उस ग्रहों पर सूर्य के प्रभाव से उसमें फिर वही जो सत्य तारे का प्रभाव है सूर्य के द्वारा सूर्य के बाहर भाग पर जो फिलामेंट उद्गार हुआ उसी भांति ग्रहों पर भी ऐसा प्रभाव उत्पन्न हुआ, जिससे ग्रहों के मध्य वाले जो ग्रह हैं बड़े ग्रह हैं बृहस्पति शनि है उन पर एक प्रभाव पड़ा सूर्य के प्रभाव से गुरुदा शक्ति द्वारा, तो प्रभाव बाहर निकल कर वो ग्रह उपग्रह रूप में बन गए, जो उपग्रह बनकर ग्रहों में ऊर्जा और चक्कर लगाने लग गए। इसी कारण से बड़े ग्रहों के अधिक उपग्रह हैं, छोटे जिसे छोटे आकार के ग्रह हैं उनके कम उपग्रह हैं और जो बहुत छोटे हैं उनके कोई उपग्रह नहीं है। इस प्रकार ये जवाहरी फिलामेंट का जो जन्मदिन की जो जवाहरी करना है इससे ये बात मान्य और मानते हैं कि एक ये दो तारों के संयोग से या दो अन्य तारों के संयोग से सभी ग्रहों उपग्रह की उत्पत्ति मानी जाती है। इस प्रकार आप सामने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जन्मदिन की जवाहरी बात की और नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे चैम्बरलिन के बोल चैम्बरलिन और मैडम के ग्रहण के बारे में बात करेंगे। इसके लिए आज के रूप में